सीकर के उद्योग नगर थाना पुलिस ने रीट परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उद्योग नगर थाना अधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि आरोपियों के पास से कई परीक्षा के अभ्यर्थियों के दस्तावेज भी मिले हैं। तीनों आरोपी पेपर आउट करवा कर नकल करवाने की फिराक में थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। मुख्य सरगना की भी तलाश की जा रही है। आरोपियों में एक डिफेंस एकेडमी का संचालक हेमंत कुमार है। इसके अलावा एक ई मित्र संचालक सुरेश कुमार है, एक अशोक कुमार है। हाँ सर, सामने देखिए। हाँ सर, 26 तारीख को होने वाले रीट एग्जाम को पेपर आउट करवा करके और कैंडिडेटों को पास करवाने के नाम पर पैसे लेने वाले गिरोह का मंडपोर गया है, जिसमें 3 आदमी व्यक्ति। इसमें हमारे को सूचना मिली थी कि 23 तारीख RJ23CC9143 स्विफ्ट गाड़ी है, उस गाड़ी में हेमंत नाम का है, जो कि लोगों से पैसे ले रहा है एग्जाम पास करने की गाड़ी। इस पर उसको पकड़ा, उसको मोबाइल से दिया गया, तो कम से कम 50 परमिशन लेटर नीट के मिले हैं और पैसों का लेन देन जरिए चैट होता है। उसकी इतला पर हमने 2 आदमी जो कि महालक्ष्मी रोजगार से एंट्री चलाता था, अपने यहाँ सुरेश यादव राहुल जी का और अशोक मीर वो भी राहुल जी का है, उनको अरेस्ट किया है। इसके मेन सरगना जो जिनसे ये पेपर लेकर गया था उनके लिए भेजी हुई। कितने रुपए लेते थे प्रति साथी से? 7-8 लाख रुपए से लेकर 9 लाख तक। बरामदगी कितने रुपए की है अभी तक? मौके से 14,000 रुपए मिले हैं, बाकी हमारे पास कई चैट्स हैं जिनमें कई पैसों का लेन देन।